हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 10 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जबकि आप लोगों का एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, आप लोगों को बहुत सारा डाउट होता है। तो मैं क्या क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, कुछ आपका बुक में है क्वेश्चन, उससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन भी है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन कभी कभी आप लोगों का एग्जाम में दे देता है, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूजन होता है, सर ये क्वेश्चन तो इस टाइप का था, हम लोग का घुमा के आ गया। बहुत सारा स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है तो उनका बहुत सारा डाउट होता है, ठीक है। तो अभी सपोज मान लीजिए ये क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, ये है 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 है, ठीक है। मैं इसको भी कराऊंगा, इससे रिलेटेड आपका क्या डाउट हो रहा है उसको भी क्लियर कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, तो हमें क्या कहा गया है, के का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग का नो सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, बहुत सारा डाउट होता है आप लोगों का, वो चीज़ आप लोगों को क्लियर करना है। तो हम लोग का जब भी नो सोल्यूशन आता है तो क्या करना है हम लोग का, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे नो सोल्यूशन कहा गया है, तो नो सोल्यूशन क्या लिखते हैं हम लोग, नो सोल्यूशन। तो हम लोग क्वेश्चन में नो सोल्यूशन कहा गया है। नो सोल्यूशन क्या होता है हम लोग का, ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू, सी वन बाय सी टू, यानी कि नो सोल्यूशन कहा गया आपका ए वन बाय ए टू, बी वन बाय बी टू। जब हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू निकलेगा आपका, फिर बी वन बाय बी टू और सी वन बाय सी टू जब करेंगे, इसका वैल्यू बराबर आपका नहीं निकलेगा, अलग निकलेगा, वही कहा गया है। यहाँ पे क्या नो सोल्यूशन होगा ये क्वेश्चन का आंसर, तो ये क्या है नो सोल्यूशन, ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू नॉट इजिकल टू सी वन बाय सी टू। ये क्वेश्चन में हम लोग को क्या सॉल्व करना है, ये कि नो सोल्यूशन है हम लोगों का। तो अभी हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग को इस वैल्यू में पुट अप करना है और शो करना है कि ये नो सोल्यूशन है और के का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया आपको, फॉर विच द वैल्यू ऑफ के। बट आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यू निकालने के लिए दिया आपका के का, लेकिन उसमें दिया मेनी सोल्यूशन, तब आपको करके देखना है, ए वन बाई ए टू को भी सॉल्व करना है, बी वन बाई बी टू को भी सॉल्व करना है, या तो बी वन बाई बी टू, सी वन बाई सी टू को भी सॉल्व करना है, तब देखिए सबका बराबर नंबर आएगा, तो उसको क्या बोलता है आपका, मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है और ऐसा आपका फाइंड द वैल्यू के तो आता ही है ज़्यादातर, फिर आपको दिया जाता है कि नो सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन है, तो एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है। तो ये सब डाउट को आपको क्लियर करना है, तो इसको सबसे पहले हम लोग वैल्यू को पुटअप करना है। तो ए वन कौन सा है, एक्स का कोफिशियंट क्या आपका 3 है, ये हो जाएगा हम लोग का 1 ए वन, तो हम लोग लिख लेते हैं ए वन इजिकल टू क्या हम लोग का 3, ए टू इजिकल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का 2 के माइनस 1, ठीक है। बी वन क्या हो जाएंगे हम लोगों का, बी वन इजिकल टू वाई का कोफिशियन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, के दिया तो के को ले लेता है, के नहीं होगा आपका, कोफिशियन को लेना है हम लोगों को, वाई का कोफिशियन क्या होगा हम लोगों का 1, और बी वन बी टू इजिकल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का के माइनस 1। यहाँ पे देखिए के माइनस 1 है, वाई भी है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है सर वाई को क्यों नहीं लिया, के को क्यों लिया, क्योंकि आपको कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर आप के नहीं लोगे तो के का वैल्यू कहाँ से निकलेगा आप लोगों का। और कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है फाइंड द वैल्यू पी, तब पी को आपको लेना पड़ेगा, बट हम एक्स एंड वाई को नहीं ले सकते, ठीक है। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? और फिर हम लोग का क्या है, हम लोग का सी वन, सी वन इजिकल टू क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन जब होता है, हम लोग का राइट हैंड साइड में कोई नंबर नहीं होता, इजिकल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देगा तो क्या हो जाएंगे हम लोग का माइनस 1, ठीक है। और सी टू इजिकल टू क्या हो जाएंगे हम लोगों का माइनस 2 के प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग का नो सोल्यूशन बता दिया गया है हम लोगों को। तो क्या करेंगे हम लोग, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू को सॉल्व करेंगे। ए वन कितना है, चलिए हम यहाँ फिर एक बार लिख लेते हैं, ए वन बाई ए टू इजिकल टू बी वन बाई बी टू। तो ए वन बाई ए टू क्या है हम लोगों का, हम लोग पुटअप कर देते हैं, जस्ट पुटअप ही करना है हम लोगों को। ए वन कितना है हम लोगों का 3 है ना, 3 बाई ए टू कितना है हम लोगों का 2 के माइनस 1। बी वन कितना हम लोगों का 1 बाय बी टू क्या हम लोगों का के माइनस 1, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 को के माइनस 1 का साथ करेंगे, 3 इंटू
के माइनस वन, क्या साइन है हम लोगों का, इक्वल वन का साथ इसको सॉल्व करेंगे, वन इंटू टू के माइनस वन। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग का थ्री इंटू के क्या हो जाएंगे, हम लोगों का थ्री के, क्या साइन है माइनस, थ्री वन जा थ्री, यहाँ पे क्या है हम लोगों का इक्वल, वन इंटू टू के क्या हो जाएंगे हम लोग का टू के, क्या साइन है हम लोगों का वन वन जा वन। अभी हर किसी को पता ही, हम लोग का पार्टनर को अपना जगह में लाना है, मैं थोड़ा नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ पार्टनर बोल के आप लोगों, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ में क्या है थ्री के, थ्री के का पार्टनर कौन है टू के, तो ये इक्वल का उस साइड पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे हम लोगों का साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है इस तरफ आएंगे क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस टू के, इजिकल टू क्या है यहाँ पे माइनस वन, माइनस वन का पार्टनर कौन है माइनस थ्री, ये माइनस थ्री है उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोग का प्लस थ्री, तो थ्री के का कोफिशियन कितना हम लोग का थ्री, और यहाँ में के का कोफिशियन क्या है हम लोग का टू, थ्री से टू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा वन ना, ठीक है। तो हम लोग के लिख सकते हैं कोफिशियन, तो ऑटोमेटिक ऐसे भी वन होता है, इजिकल टू क्या हो जाएंगे वन से थ्री माइनस करेंगे तो टू, तो हम लोग के का वैल्यू निकालने के लिए कहा था ना, के का वैल्यू निकल चुका है हम लोग का, ठीक है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा, माइनस टू नहीं होगा आपका। यहाँ पे देख लीजिए ये माइनस वन है प्लस थ्री है ना, आपका बड़ा डिजिट कौन सा है थ्री है या वन है, थ्री है ना, थ्री में क्या साइन है आपका प्लस साइन है, ठीक है, तो इसलिए प्लस टू होगा आपका, ठीक है, के का वैल्यू टू निकल चुका है। आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा, थैंक यू। तो अभी देखिए जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर टू का रोमन नंबर टू, उसी से रिलेटेड, तो जो क्वेश्चन है हम लोगों का कितना था एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर टू का हम लोग सॉल्व कर रहे थे रोमन नंबर टू, उसी से रिलेटेड देखिए उस टाइप का आपका क्वेश्चन है, इसलिए मैं एक ही साथ में करा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एग्जाम में डाउट ना हो। देखिए इसमें क्या आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो आप लोगों ने पहले किया था नो सॉल्यूशन था, ठीक है, और इसमें क्या है आपका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन का क्या होता है आपका, देख लीजिए मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे आप लोग का, चलिए आपका क्लियर हो जाएगा। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है हम लोग का, ए वन बाई ए टू इजिकल टू बी वन बाई बी टू इजिकल टू सी वन बाई सी टू, ठीक है। जब हम लोगों ने पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था हम लोग का, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं जो वैल्यू निकलेगा ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू, जो वैल्यू निकलेगा तब बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू करने से वो अलग वैल्यू निकलेगा, उसको क्या कहता हम लोग का नो सॉल्यूशन, मतलब सबका अलग अलग वैल्यू निकलेगा। पर हम लोगों का यहाँ पे क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन मतलब आप ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू कीजिए जो निकलेगा आंसर, फिर बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू कीजिए सेम आंसर निकलेगा आपका, फिर आपको किसी को भी कीजिए ए वन बाई ए टू सी वन बाई सी टू सेम आंसर निकलेगा आपका। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले करके देख लेते हैं एक को पहले, तो हम लोग का क्या है ए वन क्या है हम लोगों का, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे ए वन कितना हम लोगों का के है ना, के को लेना पड़ेगा हम लोग को क्योंकि के का वैल्यू निकलना है। ए टू क्या हम लोगों का 12, बी वन क्या हम लोगों का वाई का कोएफिशिएंट क्या हम लोगों का 3, बी टू क्या हम लोगों का के है ना हम लोगों का के को लेते हैं हम लोग, और सी वन के हम लोगों का के माइनस थ्री, ठीक है, और सी टू क्या हम लोगों का क्या होगा हम लोगों का के, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू करके देखते हैं हम लोग का निकलता क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं ए वन बाई ए टू इजिकल टू बी वन बाई बी टू, तो ए वन हम लोग का क्या है के है, ए वन कितना हम लोग का के, चलिए लिखते हैं के, ए टू क्या है हम लोगों का 12, ठीक है, बी वन क्या है हम लोगों का श्योर 3 है, बी वन कितना हम लोग का 3 है, बी टू क्या है हम लोगों का के है, इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग, चलिए वैल्यू पुट अप कर दिया हम लोगों ने, अब इसको क्रॉस कर देते हैं, के इंटू के क्या हो जाएगा हम लोग का के स्क्वायर,
पावर हमें से क्या होता है, मल्टीप्लाई वन से पावर प्लस हो जाता है, यहाँ पे वन के यहाँ पे वन के है, तो वन प्लस वन कितना हो गया टू के स्क्वायर। अभी इजिकल टू क्या हम लोग का 12 इंटू थ्री कितना हो जाएगा हम लोग का 12 इंटू थ्री, तो के स्क्वायर इजिकल टू 12 थ्री से कितना हो गया हम लोग का 36। जबकि हम लोग का किसी भी वैल्यू का के का स्क्वायर में हम लोग का वैल्यू नहीं निकल सकता है, ठीक है, ये आपका 6 है, ये 6 है। तो इसको अभी स्क्वायर को हम लोग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, के इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग स्क्वायर रूट 36, ठीक है। तो 36 को अभी क्या करना है, रूट से हम लोग को बाहर निकलना है, तो कैसे निकलते हैं रूट से बाहर, इसको स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग राफली चलिए कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 36 का क्यूब निकल लेते हैं, कैसे जाएंगे 2 से ना 2 वन जा 2, 1 बच गया ना 2 एट जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, ठीक है, क्या निकल गया हम लोग 3 वन जा 3। इसको अभी हम लोग लिख लेते हैं के के इजिकल टू रूट क्या निकल गया हम लोग का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो कभी भी रूट का अंदर से क्या बाहर निकलता है हम लोग का 50% बाहर निकलता है ना, दो टू है कितना निकल जाएंगे 1, 3 कितना है डबल सिंगल निकल जाएंगे, तो के का वैल्यू कितना निकल चुका है हम लोग 3 टू जा 6, ठीक है, ये एक वैल्यू निकल चुका है। हम लोग किसको सॉल्व किया था, हम लोगों ने सॉल्व किया ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू। चलिए आगे हम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का मेनी सॉल्यूशन कहा गया ना, तो अभी हम लोग किसको सॉल्व करते हैं बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू, देखते हैं सही निकलता है ना नहीं निकलता, ठीक है, दिखा दे रहा है जब मैं लिख रहा हूँ हम दिखा देना उसमें, तो हम लोग अभी करेंगे हम लोग क्या बी वन बाई बी टू और क्या करेंगे हम लोग सी वन बाई सी टू, देखते हैं सेम नंबर निकलता है नहीं निकलता, ठीक है, मिनी सॉल्यूशन है ना नहीं है, डाउट क्लियर हो जाएगा हम लोग का। चलिए तो बी वन कितना था हम लोग का वैल्यू 3 है ना, बी टू कितना हम लोगों का के, सी वन के हम लोगों का के माइनस 3 और सी टू के हम लोगों का के, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना, बी वन बाई बी टू और सी वन बाई सी टू कर रहे हैं, इसका साइज को मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू के क्या हो जाएगा हम लोग का 3 के इजिकल टू के का साइज को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एक स्टेप कर देता हूँ आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, के माइनस क्या हो गया हम लोग का 3, तो 3 के इजिकल टू के इंटू के क्या हो जाएगा हम लोग का के स्क्वायर होगा ना, क्या साइन है माइनस के इंटू 3 3 के। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3 के हो गया ना हम लोगों का और यहाँ पे क्या हो गया के स्क्वायर, ठीक है, तो अभी इजिकल टू क्या कर सकते हैं 0 को तो लाना है हम लोग को, 0 इजिकल टू क्या कर देंगे हम लोग के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 3 है ना, ट्रांसपोज हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोग का माइनस 3 के, ठीक है, तो 0 इजिकल टू के स्क्वायर का के स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हम लोग का प्लस, तो माइनस साइन बैठेंगे ना दोनों का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 6 के, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग के इसमें भी दोनों में के है तो क्या हो जाएंगे हम लोग का, कभी सेम नंबर से उसको क्या करते हैं हम लोग मैथ्स में कभी भी किसी भी जगह में नंबर का कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है के है ना, दोनों में के कॉमन है, के कॉमन ले लेते क्या बच गया के स्क्वायर, तो के बाहर चला गया क्या बच गया हम लोग का के, और इसमें क्या बच गया हम लोग का 6 बच गया ना, क्योंकि के बाहर चला गया के इंटू के स्क्वायर माइनस का माइनस के इंटू 6 क्या हो गया 6 के, ठीक है। इसको अभी कैसे लिख सकते हैं हम लोग के इजिकल टू इफ के इजिकल टू क्या होता 0, ठीक है, और दूसरा हो गया हम लोग का क्या इफ के माइनस 6 इजिकल टू क्या होगा हम लोग लिख सकते हैं 0, यानी कि के इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 6। तो फर्स्ट जो लिखा था हम लोग क्या निकला था 6 निकला था ना, इसका भी 6 निकल चुका है, इसको बी वन बाई बी टू किया है हम लोगों ने, ठीक है, और फर्स्ट में क्या किया था ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू हम लोगों ने किया था, तो अभी क्या करेंगे हम लोग ए वन बाई ए टू और सी वन बाई सी टू करके भी देखते हैं। चलिए तो अभी हम लोग करेंगे ए वन बाई ए टू इजिकल टू सी वन बाई सी टू, देखते हैं 6 निकलता है या नहीं निकलता है, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन होगा ना, ए वन कितना था हम लोगों का ये था ना, और ए टू क्या था हम लोगों का 12 था, वेरी गुड, सी वन कितना था हम लोगों का के माइनस 3, वेरी गुड, सी टू कितना था के,
तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस के इंटू के क्या हो जाएगा हम लोग का के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू तो हम लोग का यहाँ पे क्या है के इंटू के क्या हो जाएंगे हम लोग का के स्क्वायर यहाँ पे क्या है हम लोग का 12 इंटू के 12 के क्या साइन है हम लोग का माइनस 12 इंटू 3 क्या हो जाएंगे हम लोग का 3 टू जा 6 3 1 जा 3 इसको अभी हम लोग ट्रांसपोज करते हैं के स्क्वायर ये क्या साइन है हम लोगों का यहाँ पे सम है यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोग का माइनस 12 के और यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं जब भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि देख लीजिए सपोज मान लीजिए 1 × 36 तो क्या हो जाएंगे हम लोग का 36 इसका भी हम लोग क्यूब निकाल लेते हैं 36 का। चलिए करते हैं हम लोग 2 1 जा 2 1 बच गया 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3 तो क्या क्या निकल गया हम लोगों का 2 × 2 × 3 × 3 तो हम लोग का क्या क्या पार्टनर बन सकता है आपका यहाँ में हो गया हम लोग का 6 2 3 जा 6 और यहाँ में 2 3 जा 6 तो पार्टनर बन चुका है हम लोग का 6 + 6 क्या होता है हम लोग का 12 हो रहा है और 6 6 6 × 6 क्या हो रहा है हम लोग का 36। अगर ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपका फैक्टराइज बोल के दिया हुआ है उसको अच्छा से देखिए आप लोगों का क्लियर हो जाएगा आपका जो स्प्रेडिंग मिडिल टर्म। तो अभी क्या निकल गया हम लोग को दोनों का तोड़ के 6 और 6 मिल गया हम लोग का पार्टनर तो इसको कैसे लिखेंगे के स्क्वायर का के स्क्वायर क्या साइन है आप लोगों का माइनस 6 के माइनस 6 के प्लस 36 तो हम लोगों का क्या निकला था 6 पार्टनर निकल गया था माइनस माइनस क्या होता है हम लोग का प्लस होता है 6 + 6 = 12 6 6 क्या होता है हम लोग का 36 देख लीजिए निकल चुका है। अब इस दोनों में क्या कॉमन है इन दोनों में देखना हम लोग का कॉमन क्या है यहाँ पे के है यहाँ पे भी के है तो कॉमन क्या हो जाएगा हम लोग का के कॉमन हो गया के कॉमन ले तो क्या बच गया के माइनस 6 और इन दोनों में क्या कॉमन है हम लोगों का अभी माइनस 6 अगर 6 कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे के है यहाँ पे देखिए के कॉमन नहीं है यहाँ पे 6 है यहाँ 36 है 6 और 36 किसका मल्टीप्लाई में आता है आप लोग का तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग के यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 6 तो इसको आप चेक कर लीजिए एक बार करने के बाद माइनस का माइनस 6 × 6 माइनस माइनस प्लस 6 6 = 36 तो ये निकल चुका है हम लोग का के माइनस 6 और यहाँ पे क्या हो चुका है हम लोग का के माइनस 6 तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इफ़ के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू 6 और इसको अभी करता है हम लोग इफ़ के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का 6 तो ये आप लोग का जितना भी आपका पहले किया था हम लोग उसमें भी 6 निकला आपका यहाँ पे भी देखिए 6 तो आपका मैनी जनरेशन निकल चुका है आपका सब में आपका 6 और 6 निकल चुका है आपका। आई होप कि आपको समझ में आएगा एनी प्रॉब्लम एनी डाउट कुछ भी अगर डाउट होता तो क्लियर करने के लिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिए अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा थैंक यू। तो हम लोग अभी कर रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स तो ये कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 रोमन नंबर 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन लोग क्यों करा रहा हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन सबको क्यों पकड़ा हूँ मैं तो आप लोग बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के तो हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी है जहाँ में a1/a2 b1/b2 c1/c2 आता है और फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के आता है जहाँ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कैसे पता चलेगा जबकि आपका लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होता है बाय करके क्वेश्चन आता है आपका a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऑलरेडी उस क्वेश्चन में क्या होता है कभी कभी इक्वल रूट नो रूट एक नो सॉल्यूशन दिया होता है मैनी सॉल्यूशन दिया होता है पर ये क्वेश्चन में क्या दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स तो आपको देखने से पता चले ये फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बताया गया है बहुत सारा क्वेश्चन में आपको क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिया होता आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के देता है क्वेश्चन को देखने से आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कैसे पता चलेगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है बोल के आपको तो आप लोग देख लीजिए जबकि आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्वेश्चन क्या का फॉर्म में आ रहा है हम लोग का ये क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का ax² + bx
प्लस सी का फॉर्म में आ रहा है हम लोग का, तो देखने से भी पता चलना चाहिए कि ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अभी हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है 2k² प्लस के एक्स प्लस थ्री इजिकल टू जीरो, तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले हमको पता होना पड़ेगा कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ होगा हम लोग का। तो यहाँ में क्या दिया हुआ है हम लोग का, इक्वल रूट्स दिया हुआ है, तो रूट्स दिया तो क्या हम लोग का यहाँ फैक्टोराइज नहीं दिया है कि हम लोग मिडिल टर्म करेंगे, तो यहाँ में क्या दिया गया हम लोगों का इक्वल रूट्स, तो कौन सा में सॉल्व करेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पे दिया हम लोगों का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना है, फॉर्मूला होगा आप लोगों का डी इजिकल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, हम लोग का ये फॉर्मूला में करना है सॉल्व, क्योंकि के का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए तो हम लोग को चाहिए कि हम लोगों को बी चाहिए, ए चाहिए और सी चाहिए, तो हम लोग को ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। तो ए कहाँ से मिल जाएंगे हम लोगों का, ए इजिकल टू क्या हो जाएंगे हम लोगों का, क्या दिया है हमें 2k दिया हुआ है ना, तो ए इजिकल टू क्या हो जाएंगे हम लोगों का 2k होगा, श्योर है। तो हम लोग को क्वेश्चन में दिया 2x² प्लस 2k प्लस 3 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पर हम लोग क्या दिया 2x², तो हम लोग का x का कोफिशिएंट क्या है, हम लोगों का x का कोफिशिएंट क्या है 2 है हम लोगों का, तो a इजिकल टू क्या मान लेंगे हम लोग 2, a इजिकल टू क्या मान लेंगे हम लोग 2, और b इजिकल टू क्या होगा हम लोगों का x का क्या है हम लोग का k, और c इजिकल टू क्या हम लोगों का 3, ठीक है, ये हम लोग को मिल गया। अभी हम लोग वैल्यू पुट अप करना है, d इजिकल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है b², तो b का जगह में क्या है हम लोग का k है, तो k का स्क्वायर क्या साइन है माइनस 4 का 4 फॉर्मूला का, कुछ साइन नहीं, क्या मानेगा हम लोग इंटू a क्या हम लोगों का 2, इंटू c कितना हम लोगों का 3, नीचे लेकर। तो हम लोग इसको अभी सॉल्व करते हैं k² तो क्या होगा हम लोग का k² क्या साइन है हम लोग का माइनस 4 × 2 = 8, 8 × 3 = क्या होगा हम लोग का 24, ठीक है, 8 × 3 = 24। तो हम लोग को क्या करना है अभी, क्या करेंगे k = क्या हो जाएंगे इक्वल साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 24। तो मैंने जो भी क्वेश्चन कराया बताया हम लोग को कि स्क्वायर में कोई हम लोग का आंसर नहीं निकलता है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग का स्क्वायर को हटाने के, स्क्वायर रूट हो जाएंगे हम लोग का, यहाँ में स्क्वायर रूट 24 हो गया ना, 24 को अभी क्या करना है हम लोग का बाहर निकलना है। तो बाहर निकलने का सिस्टम क्या है, इसको ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, स्क्वायर क्यूब निकलते हैं ना इसका, 24 का क्यूब निकल जाता है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 6 = 12, ठीक है, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं अच्छा से, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, 2 × 2 × 2 × 3। तो अभी 2 का पार्टनर क्या है, 2 है ना, चलिए मैं 2 को ले लेता हूँ, 2 का पार्टनर 2 है, 3 का पार्टनर है नहीं है, अभी ये 2 का पार्टनर, ये 2 था, 2 बाहर निकल गई, इसका पार्टनर है नहीं है, तो इसको अंदर रहेंगे, और ये क्या मैं 3 है, k = √2 × 3 = 6। तो हम लोग का क्या क्या वैल्यू निकल चुका है, ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इसको और स्टेप लिखते हैं, ± √6, ये आ चुका है हम लोग का आंसर। आई होप कि आप लोग समझ में आएगा और के का आप लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है, कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, के का वैल्यू निकालने के लिए दिया आप लोगों को, आपका रूट्स दे दिया, पता होना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर दे दिया होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छा से देख लीजिए। चलिए अभी रोमन नंबर 2 करते हैं हम लोग, तो अभी हम लोग करते हैं रोमन नंबर 2, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ में क्या दिया हम लोगों का kx × x − 2 + 6, क्वेश्चन ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं डॉक, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं kx × ये क्या है मैम, कुछ साइन नहीं है ना हम लोग को, पहले हम लोग इसको इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन जो दिया kx² क्या साइन है हम लोग का माइनस kx × 2 क्या हो जाएंगे हम लोग का 2kx क्या साइन है हम लोग का प्लस 6 = 0। तो हम लोग को पता है, थोड़ा पहले मैंने अभी पहले भी बताया था, ये आ रहा है हम लोगों का x²
प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म सिस्टम में आ रहा है हम लोग को, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हम लोग को, डी इजल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। तो अभी हम लोग को चाहिए क्या, ए चाहिए ना, बी और क्या चाहिए, सी। तो ए इजल टू क्या हम लोगों का, के बी इजल टू क्या हम लोगों का, क्या है, टू है, श्योर है, कितना परसेंट, कितना परसेंट, माइनस साइन लेना नहीं इसका आगे में, तो माइनस माइनस को लेना पड़ेगा भाई, माइनस छोड़ देगा तो हो गया माइनस टू के, और सी इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, सिक्स। आप लोग ये तो गलती करता है, माइनस और प्लस ये सब में बहुत आप लोग नेग्लिजेंसी करता है, छोटा छोटा चीज़ में गलती हो जाता है मैथ का, तो बाद में आप लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन तो करके आया, नंबर कमती मिल गया, कहीं में माइनस छोड़ दिया, कहीं प्लस छोड़ दिया आप लोगों ने। तो ये फॉर्मूला में हम लोग मिल गया, ए भी मिल चुका है, बी भी मिल चुका है, क्या मिल गया हम लोग का, सी भी मिल चुका है। फॉर्मूला में पुटअप कर देते हैं, बी का जगह में क्या हम लोग का, टू के ना, टू के क्या यहाँ में हम लोगों का स्क्वायर, क्या साइन है हम लोगों का, माइनस फोर का, फोर कुछ साइन नहीं, क्या साइन देंगे, इनटू ए का के इनटू बी का सी कितना हम लोग का, सिक्स। टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, टू टू जा फोर के स्क्वायर, क्या साइन है हम लोगों का, माइनस फोर सिक्स जा, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर ना, ट्वेंटी फोर, क्या साइन है हम लोग का, के। अभी देखिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जब आप लोग मैथ्स कर रहे हो मैं बेसिक सब बता के जाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोग जब सॉल्व करता है ना आप लोग, तो मैं जो बात कहता हूँ आप लोग को उसको माइंड में थोड़ा डालिए आप लोग। अभी आप जब भी आप लोग सेम नंबर आता है या सेम कुछ भी आता है तब उसमें हमेशा हम लोग कॉमन लेता है, तो ये जगह में भी आप लोग कभी कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कि यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है ना, दोनों में क्या है, ये कॉमन है ना, नहीं है हम लोगों का, है ना। और यहाँ में दोनों किसका मल्टीप्लाई में आ रहा है, टू का मल्टीप्लाई में भी आ रहा है, फोर का मल्टीप्लाई में भी आ रहा है ना हम लोग का, ठीक है। तो दोनों किसका मल्टीप्लाई में आ रहा है, फोर का, तो क्या होगा हम लोग का कॉमन, फोर कॉमन हो गया, के इसमें भी, इसमें भी क्या कॉमन होगा, के कॉमन हो जाएगा। तो इसमें फोर के बाहर चला गया, दो के था, तो कितना अंदर रह जाएगा हम लोग का, सिंगल के रहेगा ना, देखिए तो मल्टीप्लाई करके फोर वन जा फोर के इंटू के क्या हो गया हम लोग का, के स्क्वायर, क्या साइन है अभी, माइनस फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, क्योंकि के तो बाहर चला गया था ना। ये करने के बाद कॉमन लेने के बाद चेक करके देखिए आप लोग हमेशा सही है ना गलती है, कभी कॉमन लेने के बाद तो गलती हो जाता है। फोर वन जा फोर के इंटू के, के स्क्वायर माइनस का माइनस फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर के का के, तो इसका अभी कैसा लिखें, तो हम लोग इसका जब स्क्वायर किया तो क्या हो, टू टू जा क्या हो गया हम लोगों का, फोर ना के स्क्वायर का के स्क्वायर, क्या साइन है, माइनस फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर के का के। तो ये दोनों में क्या कॉमन है हम लोगों का, के दिखाई दे रहा है ना, और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, फोर ना, तो फोर के हम लोग का कॉमन हो चुका है, तो क्या बच जाएगा हम लोगों का, के माइनस सिक्स, ठीक है। तो फोर मल्टीप्लाई करके देखिए, चेक करके देखिए, कभी भी आप लोग जब कॉमन लेता है ना आप लोग चेक करके देखिए, कभी कभी आप लोग गलती हो जाता है, मल्टीप्लाई करके चेक करके सही निकला है नहीं निकला है कॉमन लेने के बाद। फोर वन जा फोर के इंटू के, के स्क्वायर माइनस का माइनस फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर के का के, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इफ फोर के इजिकल टू जीरो, यानी कि के इजिकल टू क्या हो जाएगा आप लोग का, जीरो बाई फोर, यानी कि जीरो फोर से क्या हो जाएगा, जीरो। के इजिकल टू क्या निकल गया हम लोग का, जीरो। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्या निकला था हम लोग का, इफ ये निकला था ना, के माइनस सिक्स इजिकल टू क्या आया था हम लोग का, जीरो ना, के इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स उससे ट्रांसपोज होगा तो सिक्स। तो ये क्या निकल गया हम लोग का, वैल्यू निकल गया, क्या वैल्यू कितना निकल गया हम लोग का, सिक्स और जीरो ना, तो के इजिकल टू क्या निकल गया हम लोगों का, जीरो एंड सिक्स। तो आई होप कि आप लोगों का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आई होप कि आप लोगों का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट। आप लोग खाना नहीं खाए क्या, आप लोग सामने निकल रहे, तो आपको एग्जाम देना है आगे। तो अभी जो ये क्वेश्चन था आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्लियर हुआ आप लोगों का, कौन सा लीनियर इक्वेशन का, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, इसलिए मैंने एक साथ कराया दोनों क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन रहता ही है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर नहीं आता तो क्या आएगा, पी दे सकता है, तब तो बोलेगा सर के तो दिया नहीं, पी दे दिया, क्या होगा, तो क्या कहते हैं, पी मान लीजिए, ठीक है, पी क्यू आर एस टी कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। फिर कन्फ्यूजन रहता है लोग, सर एक्स वाई को क्यों नहीं लेता, एक्स वाई को हम लोग नहीं ले सकते, वहाँ के का वैल्यू निकल नहीं दिया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आएगा, एनी प्रॉब्लम एनी डाउट। तो ये अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिए, कि बहुत सारे स्टूडेंट